नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं सोमवार शरीफ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंगलवार के लिए मतलब कौन सा डेट होगा, 7, 8, 9 शायद 10 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन किया एज प्रिडिक्टेड अर्लियर। आप लोग मेरा अगला वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला था कि ये बुलिश है। अभी तक मेरा सेंटिमेंट इसका बुलिश है, दो सम पुल बैक विल ऑकर, बट इसका ओवरऑल बुलिश ट्रेंड ही है अभी तक। तो इसका सपोर्ट ये 10,650 में है और इसका ये देखिए अभी ये जो मैंने बोला था ये 38.82% का फिबोनाची 38.2% के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा। तो आज फिबोनाची 38.2% ये ऊपर जाके ये 61.8% में ये फिर से रुक गया है। तो ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, ये एक्चुअली 984 का ऊपर गया था लेकिन इसका ऊपर ये सस्टेन कर पाएगा तो इस ये फर्स्टली इस जोन पे आएगा, मतलब 11,060-11,080 का जोन में आएगा। उसके बाद फिर ये 11,112-11,020 इस जोन पे आएगा। उसके बाद ये 11,160 के ऊपर ये इसका अप ट्रेंड आ जाएगा। और ये देखिए इसमें इसमको का जो बेस लाइन है ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और कन्वर्सल लाइन इसको ऊपर ऊपर जा रहा है। और इसका वोटेक्स का लाइन देखिए -VI ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आने का कोशिश कर रहा है। RSI भी इससे 40% के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। मैं ऑप्शन चेन में देखूंगा तो देखिए मैंने बोला था कि इधर हेवी शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप हुआ था तो कुछ शॉर्ट कवरिंग होने वाला था और ऐसे ही वो एक के नीचे मतलब 0.75 के नीचे 0.6070 के पास था, वो कॉन्ट्रा ट्रेड उसको लेना ही था तो ये कॉन्ट्रा हो गया। अभी कॉन्ट्रा ट्रेड रह रहा है, ए पी सी आर रेशियो मतलब अभी 1 के ऊपर आ गया फिर। और इधर कुछ लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इसमें 11,000 में सपोर्ट है और 11,100 में सपोर्ट है। इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी नोटिसेबल है, ये ज़्यादा ही है। और ये धीरे धीरे इसका पहला सपोर्ट तो 10,900 पे है और दूसरा सोच लीजिए 10,800 या 10,700 पे इसका सपोर्ट है। इसका नीचे जाएगा तो ये नीचे जा सकता है लेकिन इस जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से कुछ डॉलर का दाम गया, डॉलर का रुपया बढ़ गया है, डॉलर का भाव बढ़ गया है और कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कुछ वजह से कुछ ये नीचे जान पुल बैक हो रहा है इसका। ऐसा जिसका स्टिल ये बुलिश सेंटीमेंट है। और मैंने बैंक निफ्टी का देखूंगा तो ये मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट पहले देख रहा हूँ। इसमें देखिए ये 38.2 ये भी धीरे धीरे अप में आया है। कल के लिए इसका हाई थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ऊपर जाने का कोशिश किया है। लो भी ये देखिए पहले ये हायर लो बना रहा है और हायर हाई बना रहा है, ठीक है। और इसका देखिए ये 38.82% में ये फिबोनाची 38.2% में ये फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। इस तरह से इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये 50% मान लो 534 में आ सकता है और उसके बाद 731 मतलब 61.8% के ऊपर जगह इसके ऊपर जाएगा तो ये इस जोन पे आएगा, मतलब 87,980 तक। उसके बाद इस जोन पे आएगा 88,219 के जोन पे आएगा। उसके बाद फिर 88,600 का जोन पे आएगा। तो इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखूंगा तो